नमस्कार, देश की बात में हाजिर है। पहले खबर चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश से। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आज ये मामला गरमाया रहा। इस हिंसा में गृह राज्य मंत्री के बेटे आरोपी आशीष मिश्रा को 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। सीजेएम चिंताराम ने शर्तों के साथ कस्टडी रिमांड पुलिस को दी है। आरोपी अपने साथ अपना वकील भी रख सकता है। आने जाने के समय मेडिकल भी कराया जाएगा। वहीं सुरक्षा व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की रहेगी। देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा इस कांड के आरोपी हैं और उन्हें शनिवार को आधी रात के बाद जेल भेजा गया था। आज उनकी रिमांड के लिए लखीमपुर की दीवानी और सेशन कोर्ट में लंबी बहस चली। अदालत ने 3 दिन की पुलिस रिमांड मंजूर कर ली। 15 यानी 3 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड स्वीकृत किया गया है शर्तों के साथ। क्या शर्तें हैं सर? क्या शर्तें हैं? शर्तें हैं कि उनको मेडिकल कराया जाएगा, प्रताड़ित नहीं किया जाएगा और अधिवक्ता उनके दूर खड़े होकर बात कर सकते। शनिवार को लखीमपुर में पुलिस अफसरों की एक टीम ने आशीष से 12 घंटे तक पूछताछ की थी। पुलिस उनसे जानना चाहती थी कि घटना के वक्त वो कहाँ थे, अगर मौके पे नहीं थे तो क्या कोई सबूत है उनके कहीं और होने के, किसानों को कुचलने वाली थार कौन चला रहा था, शांति से जा रहे किसानों को क्यों कुचला गया, वगैरह वगैरह। पुलिस उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुई। हम लोगों ने पाया कि वो नॉन कोऑपरेशन कर रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं, विवेचना में कई सारी बातें नहीं बताना चाह रहे हैं। तो नॉन कोऑपरेशन कस्टडी में ले रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं। पुलिस ने आशीष मिश्रा की 14 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए अर्जी दी थी। आशीष के वकीलों ने इसका विरोध किया। उनका कहना था कि 12 घंटे की पूछताछ काफी है, पुलिस आशीष को टॉर्चर करना चाहती है। अधिवक्ताओं का एक पैनल उनके साथ मौजूद रहेगा ताकि उनका किसी प्रकार का कोई हरेसमेंट या कोई थर्ड डिग्री ना हो सके। कोर्ट ने भी स्पेशली आदेश किया है कि किसी प्रकार का मानसिक या शारीरिक उत्पीड़न आशीष मिश्रा और मुन्नू का नहीं किया जाए। लखीमपुर कांड अब एक देशव्यापी मुद्दा बन चुका है, इसलिए यह रिमांड बहुत जरूरी थी ताकि पुलिस किसी नतीजे पे पहुंच सके कि उन किसानों को किसने कुचला, कौन है इसके लिए दोषी। लखीमपुर में प्रतीक श्रीवास्तव और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और इस हिंसा का असर बीजेपी की राजनीति पर भी अब झलकने लगा है। आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह पार्टी कार्यकर्ताओं को नसीहत देते नजर आए। उन्होंने कहा कि जनता के प्यार से नेता बना जाता है, हम राजनीति में लूटने के लिए नहीं आए हैं, न ही किसी को फॉर्च्यूनर से कुचलने आए हैं। उन्होंने कहा कि आपके व्यवहार से ही वोट मिलेगा। एक चाय बेचने वाला गरीब परिवार में जन्म लिया और बरसते पानी में पां के आंचल में छिपने वाला वो प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है, देश का प्रधानमंत्री बनता है। न खाएंगे, न खाने देंगे, न सोएंगे, न सोने देंगे। नेता का मतलब भ्रष्टाचार नहीं है, तो नेतागिरी का मतलब लूटने नहीं आए हैं, फॉर्च्यूनर से किसी को कुचलने नहीं आए हैं। वोट मिले मिलेगा, आपके व्यवहार से मिलेगा। इस मामले को लेकर विपक्ष भी सक्रिय रहा। कांग्रेस अब केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को पद से हटाने की मांग कर रही है। इसको लेकर कांग्रेस आज देश भर में मौन प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी आज लखनऊ में उन्होंने मौन व्रत रखा। और इस मामले पर जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी कमाल खान मौजूद है। कमाल, पहला तो अगर ये जो आज कोर्ट में अदालत में जो हुआ है, सिर्फ 3 दिन की ही पुलिस रिमांड मिल सकी है इस पूरे मामले पे और शर्तों के साथ, किस तरह से देखा जा रहा है, वहां पर जानकार क्या कह रहे हैं? ये देखिए, आमतौर पर शर्तें होती हैं कि आप थर्ड डिग्री नहीं कर सकते हैं, कई बार मतलब वकील वहां इंटरफेयर नहीं करेंगे लेकिन वो दूर से देख सकते हैं, ऐसा कई बार अदालतें कहती हैं। लेकिन ये पूछताछ 12 घंटे तो उनकी हो चुकी है और मेरे ख्याल से 3 दिन और काफ़ी हैं, क्योंकि पुलिस के पास बहुत तरह के एविडेंसेस हैं। कोई अभी वहाँ पे जो जांच हो रही है उसमें से कुछ सीसीटीवी फुटेज, जो मंत्री जी का घर है उसे 300 मीटर पे कोई सीसीटीवी कैमरा लगा था उसकी फुटेज ले ली है। थार जिस रास्ते से गई है उस रास्ते में
जो भी दुकानें हैं, रहने वाले लोग हैं, उनके बयानात लिए गए हैं, तो बहुत सारा मटेरियल पुलिस ने और कुछ फॉरेंसिक जांच करके कई सारी चीजें इकट्ठा की हैं, उसके आधार पे वो दोबारा से पूछताछ करेंगे। तो अगर वो असहयोग नहीं करते हैं, जैसा पुलिस कह रही थी कि वो कॉपरेट नहीं कर रहे हैं और इवेजिव जवाब दे रहे हैं, टाल मटोल कर रहे हैं, जवाब से बचना चाह रहे हैं, तो मेरे ख्याल से बहुत सारी चीजें पुलिस उनसे जान सकेगी और ये साफ हो पाएगा कि ये थार से कुचलने के लिए कौन दोषी है किसानों को। बिल्कुल कमाल, और संक्षेप में जो दूसरी तरफ स्वतंत्र देव सिंह के बयान को किस तरह से आके, क्या बीजेपी वहां पर दबाव में आ गई है यूपी में, या सिर्फ उन्हीं का बयान एक तरह से देखा जाए माना है ये? नहीं, देखिए जो स्वतंत्र देव सिंह ने कहा ये बाकी लोग कहते नजर नहीं आ रहे हैं, हमको लगता है कि शायद उनके दिल से ऐसी बात अपने आप निकल गई है बोलते हुए, क्योंकि अगर वो तस्वीर देखिए, कोई भी जो दर्दमंद इंसान है कोई भी देखेगा कितने शांति से झंडे कंधे पर रखे हुए किसान चले जा रहे हैं और एक थार पीछे से आ रही, ना उस वो किसान ना तो पथराव कर रहे थे ना गोलियां चला रहे थे, बहुत शांति से चले जा रहे, पीछे से आके उनको कुचल के चली जाती है, तो जो भी देखता है उसको तकलीफ तो होती ही है। और जाहिर सी बात है कि राजनीति में कोई भी अपनी गाड़ी से जनता को कुचलने के लिए नहीं आया है, वो इसीलिए आया है कि जनता को मोहब्बत से या दूसरे तरीकों से उसका वोट हासिल किया जा सके। कुचलना तो कोई भी नहीं चाहता, जो लोग पोलराइजेशन करना चाहते हैं वो भी नहीं कुचलना चाहते, तो शायद उनके मन से ऐसी बात निकल गई। बिल्कुल कमाल, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अब चुनावी समय है, कुछ ही महीनों में उत्तर प्रदेश चुनाव में जा रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो लखीमपुर के तिकोनिया में मरने वाले किसानों के अरदास की भी तैयारी हो रही है, तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं और इन्हीं तस्वीरों को दिखा के आगे बढ़ेंगे किस तरह से यहां पर ये तमाम तैयारियां अरदास की हुई हैं तिकोनिया मामले में, और आगे बढ़ते हैं। और इस पूरा असर जो ये लखीमपुर हिंसा का असर महाराष्ट्र में भी पड़ा है देखने को, आपको बता दें कि विरोध में आज महाराष्ट्र बंद रहा, सत्ता में शामिल शिवसेना एनसीपी कांग्रेस ने बंद का समर्थन किया, दुकानें बंद रहीं, सड़कों पर लोग कम नजर आए, लेकिन जो लोग निकले वो उनको परेशानी का सामना करना पड़ा। एनसीपी कांग्रेस के नेताओं ने अलग अलग जगहों पर लखीमपुर खीरी हिंसा के विरोध में ये प्रदर्शन था। बेस्ट की आठ बसेस में तोड़फोड़ हुई और जिसके बाद सड़कों में बेस की बसें कुछ समय के लिए गायब भी हो गई थी। शिवसेना के कार्यकर्ता डरा धमकाकर ऑटो बंद कराते नजर आए, तो वहीं ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर भी प्रदर्शन करते दिखे। बाद में बेस की बसों को लोहे की ग्रिल लगाकर चलाया गया, लेकिन लोगों को वहां पर परेशानियों का सामना करना पड़ा है। और अब उत्तर प्रदेश से ही एक और खबर है, ग्रेटर नोएडा के जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जमीन पर घास काटने गई 55 साल की महिला के साथ सामूहिक बलात्कार की वारदात सामने आई है, और महिला नोएडा के अस्पताल में इलाज उनका चल रहा है, और इस मामले में चार आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज भी किया गया है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जमीन पर पुलिस फॉरेंसिक एक्सपर्ट और डॉग स्क्वाड के साथ एक जघन्य वारदात के सबूत इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। दरअसल पास के ही गांव की 55 साल की अनुसूचित जाति की एक महिला यहां घास काटने आई थी। आरोप है कि हथियार के दम पर चार लोगों ने उसके साथ गैंगरेप किया। महिला मानसिक तौर पर भी कमजोर है। 55 साल की दलित महिला रविवार को यहां पर पशुओं के लिए चारा लेने आई थी। आरोप है कि तभी महिला को गांव के कुछ लड़कों ने खेत के अंदर खींच लिया और उसके साथ गैंगरेप किया। महिला ने एक आरोपी का नाम बताया है जिसका नाम महेंद्र है, जो कि इसी गांव का रहने वाला है। तो पुलिस महेंद्र के अलावा उसके तीन साथियों की तलाश कर रही है। आप देखें कि जो नोएडा पुलिस के अधिकारी हैं वो यहां पर मौके पर पहुंचे हैं। पीड़िता ने घर पहुंचकर घर वालों को आपबीती बताई। घर वालों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने पीड़िता को गंभीर हालत में नोएडा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत अब स्थिर है। पुलिस के मुताबिक पीड़िता ने एक आरोपी महेंद्र का नाम बताया है, जबकि बाकी तीन लोग अज्ञात हैं। महेंद्र पीड़िता के गांव का ही रहने वाला है और उस पर पहले के भी केस दर्ज हैं। आरोपियों की तलाश में पुलिस की कई टीमें काम कर रही हैं।
जी, महिला बिल्कुल स्टेबल हैं, मैं उन्हें सुबह मिलने गई थी, बिल्कुल ठीक हैं। जो तहरीर आई है वो चार व्यक्तियों के खिलाफ आई है, लेकिन उनमें से एक ही है जिसको स्पष्टता से पीड़िता पहचान रही है। तो अभी पुलिस ने जितनी टीम्स गठित की हैं और हमारा जो सारा प्रयास है उसी की गिरफ्तारी में है। थाने में एप्लीकेशन वगैरह जो भी रिपोर्ट है वो दी है। कितने लोग थे? वो तो जी बेचारी मैंने यहाँ सुनी है सबके सामने पे, उसने अपने आदमी को बताई है कि वो बाबा जी का ही एक लड़का है, वैसे वो चार लोग हैं। अच्छा। इस मामले को लेकर विपक्षी पार्टियों ने भी यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर कहा कि जिला गौतम बुद्ध नगर में अनुसूचित जाति की एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना अति दुखद और अति शर्मनाक। यूपी की भाजपा सरकार पीड़िता को न्याय और आरोपियों के खिलाफ जल्दी ही सख्त कार्रवाई करे, बसपा की यही मांग। यूपी कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल पीड़ित के परिवार से मिला। दिल्ली से सटे जेवर में बहुत ही जघन्य गैंगरेप की घटना सामने आई है और एक 55 साल की दलित महिला के साथ यहाँ दुष्कर्म हुआ है, गैंगरेप हुआ है और नोएडा उनको इस समय एडमिट कराया गया है और अस्पताल में पुलिस के द्वारा पूरी छावनी बनाई गई है। फिलहाल इस मामले में पुलिस के हाथ खाली हैं। जेवर से कैमरामैन पवन कुमार के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आगे है, क्या श्रमिकों के कल्याण के लिए फंड के करोड़ों रूपए बिजली विभाग को दिए गए, वे भी श्रमिकों की राहत के नाम पर? मध्य प्रदेश से रिपोर्ट दिखाई। देश की बात में खबर मध्य प्रदेश से। सरकारी नारों में मजदूरों किसानों की खूब बातें होती हैं, लेकिन हकीकत में इनके नाम पर बड़े बड़े खेल से हो जाते हैं। हकीकत इस खबर से समझी जा सकती है। मध्य प्रदेश में श्रमिकों के कल्याण के लिए बने फंड के करोड़ों रुपए बिजली विभाग को डायवर्ट कर दिए गए हैं। तर्क ये दिया जा रहा है कि ये खर्चे श्रमिकों को राहत देने के लिए किया गया। प्रकाश शौर्य 16 साल से मिस्त्री का काम करते हैं, 500 रुपए रोज कमाते हैं। परिवार में 5 लोग हैं। इन जैसे श्रमिकों के श्रम सुरक्षा और कल्याण के नाम पर मध्य प्रदेश भवन और सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड बना है। इनकी मेहनत से निकले पसीने का 1% यहाँ जमा होता है। वैसे प्रकाश को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। सर जानकारी नहीं इस बारे में तो, और जानकारी रहती भी तो अपन जैसे को कौन सुनेगा। काम बड़ी मुश्किल से लगते हैं हफ्ते में, 2-4 दिन लग गए तो लग गए, उसके बाद तो कोई मतलब ही नहीं। कोई दुर्घटना भी हो गई तो बहुत कम पैसा मिलता है, किसी को मिलता भी नहीं है। रहमान जैसे और भी कई श्रमिक हैं, लोहे का काम करते हैं। इन्हें भी नहीं पता कि वेलफेयर बोर्ड में कितनी राशि थी और गई तो कैसे। मजदूर के लिए तो मजदूरों को मिलना था, लेकिन आप लोग तो कभी पहुंचा ही नहीं। नहीं सर, हम लोगों को जानकारी ही नहीं देता, कोई बताता भी नहीं। कोई बताता भी नहीं इस तरीका कि आप लोगों को पैसा है, वो गलत है ना सर। वो तो अपन लोगों को ही मिलना चाहिए जो मंजूर है उनको, अब वो दूसरे को दे दिया तो गलत है। मध्य प्रदेश में बिल्डिंग निर्माण से जुड़े श्रमिकों के कल्याण के 416 करोड़ 33 लाख रुपए ऊर्जा विभाग के सब्सिडी खाते में डाल दिए गए हैं। दरअसल राज्य में जितने भी सरकारी या निजी भवन बनते हैं उसकी लागत का 1% सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड को जाता है। इससे श्रमिकों की करीब 19 योजनाएं चलती हैं, जैसे 45 से कम उम्र के सामान्य मृत्यु पर 75,000 रुपए, दुर्घटना में मृत्यु होने पर 1,00,000 रुपए की सहायता राशि, निर्माण कार्य के दौरान दुर्घटना मृत्यु में 2,00,000 रुपए, प्रसूताओं को 45 दिन का न्यूनतम वेतन, 1,400 रुपए पोषण भत्ता जैसी योजनाएं इस फंड से चलती हैं। हालांकि श्रम विभाग का तर्क है कि संबल योजना में पंजीकृत 3,00,000 मजदूरों को 100 रुपए में बिजली मिलती है, इसलिए ये पैसा दिया गया। ऊर्जा विभाग हर साल अलग अलग मदों में 21,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी देता है। सूत्रों के मुताबिक बिजली विभाग ने सब्सिडी के लिए नोटशीट लिखी थी,
जिसके बाद 3 सालों का पैसा दिया गया। अगस्त 2018 कैबिनेट के फैसले के आधार पर सब्सिडी का पैसा दिया गया। ऊर्जा मंत्री ने पहले तो पैसे देने से इनकार किया, फिर कहा कुछ गलत नहीं है। हम किसी भी विषम स्थिति में देवी शक्ति और मेहनत और कार्य कुशलता से उस संकट से निजात पा पाते हैं। हालांकि नियमों के मुताबिक बोर्ड के फंड का उपयोग केवल श्रमिकों के कल्याण के लिए चलाई गई योजनाओं में हो सकता है। योजनाओं पर व्यय की गई राशि और उसमें से सिर्फ 5% प्रशासनिक कामों के मद में खर्च हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के भी इस मामले में निर्देश स्पष्ट हैं, लेकिन सरकार कह रही है सब नियमों के तहत ही हुआ, श्रमिकों के वेलफेयर में कोई कमी नहीं आई है। नहीं, भले वेलफेयर में तो कोई कमी नहीं आ रही ना, उनके वेलफेयर की यहाँ जरूरत है, वहाँ सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है, साधन मुहैया, पैसा मुहैया किया जा रहा है। जो रखा हुआ अगर होगा वो अगर यूज यहाँ करना होगा वहाँ करना लेंगे, लेकिन इसमें क्या दिक्कत है? कानूनन ऐसा कर नहीं सकते, कानूनन नहीं कर सकते तो नहीं करते, हम कानून के तहत ही चलती है। ये शिवराज सिंह जी की सरकार है या कानून का राज है? सरकार ने 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली का ढिंढोरा गरीबों के लिए खूब पीटा। सवाल ये है कि जब योजना सबके लिए एक जैसी थी तो फिर किस हक से इन श्रमिकों का जो कल्याण का पैसा था वो बिजली की सब्सिडी में दे दिया गया? क्या सिर्फ इसलिए कि ये श्रमिक हैं और बाबुओं से तनकर सवाल नहीं पूछ सकते? सवाल ये भी है कि क्या श्रमिक बोर्ड के उन बाबुओं पर सीधी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जिन्होंने इनके कल्याण का पैसा किसी और मद में मोड़ दिया बगैर किसी सवाल के, बगैर किसी से पूछे? भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। देश की बात में आगे, भारत चीन के कोर कमांडर्स की 13वें दौर की बातचीत, फिर नाता, तनाव बरकरार। भारत और चीन के कोर कमांडरों के बीच 13वें दौर की बातचीत बेनतीजा रही, यानी सीमा पर गतिरोध जारी ही रहेगा। भारत ने कहा है कि चीनी सेना भारत की तरफ से दिए गए सुझावों पर सहमत नहीं थी तो हल नहीं निकला। पूर्वी लद्दाख में जारी तनाव को खत्म करने के लिए कोर कमांडरों के बीच 13वें दौर की बातचीत 8.5 घंटे तक चली, लेकिन नतीजा कोई नहीं निकल सका। भारत ने चीन को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि बचे हुए इलाकों से सैनिकों की वापसी की जिम्मेदारी चीन की ही है, क्योंकि चीन ने ही एक तरफा तौर पर पूर्वी लद्दाख में यथास्थिति में बदलाव किया था। हमको पेशेंस दिखाना पड़ेगा, नहीं तो ये सब जो मसला है फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट का, PLA का, वो पहले ही हल हो जाता। हमें ये सोच के चलना पड़ेगा कि जब तक मिलिट्री लेवल पे, डिप्लोमेटिक लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे टॉक चल रही हैं तो ये मसले को पीसफुली ही हल करना है और स्टेटस को एंटी अचीव करना है। तो इसमें हमें कोई निराश नहीं होना चाहिए कि इस बार आउटकम नहीं निकली है, पॉजिटिव आउटकम नहीं निकली है, मतलब इट्स अ लॉन्ग हॉल, डिप्लोमेट चलती रहेगी। हम वहाँ पर पूरी तरह सक्षम है और हमको वहाँ पर डट के रहना पड़ेगा और साथ साथ टॉक्स भी करनी पड़ेंगी। वहीं चीन भारत की तरफ से दिए गए सुझाव से सहमत नहीं दिखा, साथ ही वो पूर्वी लद्दाख में गतिरोध के समाधान पर आगे के रोड मैप पेश करने में भी नाकाम रहा, लिहाजा बचे हुए इलाकों से सैन्य वापसी पर सहमति नहीं बन पाई। इसको लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा। कहाँ है लाल आंख और कहाँ है 56 इंच? कब चीन से आंख में आंख डालकर बात करेंगे मोदी जी? कब देश की सरजमी से चीन का कब्जा छुटेगा और चीन को डेपसांग प्लेन और गोगरा हॉट स्प्रिंग से पीछे धकेलेंगे? प्रधानमंत्री जी, छुपिए मत, सामने आइए, जवाब दीजिए, देश जवाब मांगता है। लेकिन अच्छी बात यह रही कि दोनों पक्ष संवाद और इलाके में यथास्थिति बनाए रखने पर सहमत हैं। भारत का अपना पक्ष है तो दलील भी, वहीं चीन का अपना कभी हिंदी चीनी भाई भाई का नारा था, पर 17 महीने से सीमा विवाद को लेकर पूरी तरह से समझौते की कोई सूरत अभी तक नहीं बन पाई है। नई दिल्ली से राजीव रंजन, NDTV इंडिया। देश की बात में आगे है, श्रीनगर से खबर है, 5 जवान शहीद हुए। रिपोर्ट
देश की बात में खबर जम्मू कश्मीर से। यहां के पुंछ सेक्टर में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में एक जूनियर कमीशन ऑफिसर समेत 5 जवान शहीद हो गए हैं। आतंकियों ने पेट्रोलिंग पार्टी को अपना निशाना बनाया। जम्मू कश्मीर में हाल में आम नागरिकों पर हुए आतंकी हमलों के बाद सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। घाटी के अलग अलग इलाकों से करीब 700 लोग हिरासत में लिए गए हैं। हिरासत में लिए गए लोगों पर आतंकवादियों से सहानुभूति रखने का आरोप है। और इसी जानकारी के साथ देश की बात में आज के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला NDTV इंडिया पर जारी रहेगा। नमस्कार।